गलत है तो मत करवाइए, लेकिन हम तो यही कहेंगे एक बार इनकी समस्याओं को सुना जाए। उम्मीद ही लगाते हैं कि जब कौन कोई प्रभु भेजवे करेंगे मसीहा कि कोई ना कोई हमारी मदद करवे करे। यहाँ लेटर घाट पर इसलिए नहीं रखते हैं जो हो सकता है वह आदमी भेज दे, अब भेज के छीन उन ले। ₹3,67,220। मेरा नाम है परमेश्वर प्रसाद। 1/2/2015-16 से। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन, मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। दोस्तों, आए दिन अगर हम लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष सोई हुई है बिहार की, और विपक्ष जो है सही मुद्दे पर सवाल नहीं उठाती है, इसीलिए डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं वो आजकल लगातार आपको आवाज़ उठाते दिख रहे होंगे और सच्चाई से मुखरतापूर्वक आगे आते दिख रहे होंगे। आज ऐसी ही चीज़ को हम लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, इसमें लिखा आप देख सकते हैं, पटना विश्वविद्यालय के विद्युत अभियंता और कुल सचिव ने दैनिक मजदूर के 4 साल का वेतन घोटाला किया। अरे क्या मिल जाएगा इस 4 साल के वेतन से? आप अमीर हो जाएंगे क्या, या फिर क्या हो जाएगा? आपका जमीर मर चुका है। एक जो है गरीब वृद्ध को जो है मारकर आप क्या उखाड़ लीजिएगा? ऐसे लगातार आए दिन बिहार में तमाम लोगों को मारा जाता है, चाहे वो PMCH का मामला हो, IGIMS का मामला है, हमारे साथी या फिर हम भी लगातार आपको दिखाते रहते हैं कि किस प्रकार बिहार में लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ऐसे ही मामला एक है मुजफ्फरपुर का, जहाँ पे एक आँख फोड़वा अस्पताल है। गलती से भी आप मत जाइएगा वहाँ पे, नहीं तो आपका आँख निकाल लिया जाएगा। यहाँ पे बाबा NIT घाट पर डेली बैठते हैं, डेली यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम पूछना चाहेंगे कि बाबा से उनकी क्या समस्या है। बाबा ये बताइए, डेली यहाँ पर क्यों बैठे रहते हैं और बैठने से क्या मिलता है? हम यहाँ इसलिए बैठते हैं कि इस जगह से हर अफसर लोग गुजरते हैं, अधिकारी गुजर, कोई ना कोई ध्यान देंगे, कोई ना कोई नेता गुजरने कर सब ध्यान देंगे। बाकी किसी ने मुद्दे पढ़कर चला जाता, किसी ने नहीं बोला और न कुछ तरह का बात किया। हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बतावे। हम अरविंद कुमार विद्युत अभियंता ने हमको अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है परमेश्वर प्रसाद। 1/2/2015-16 से हमको विद्युत अभियंता ने लाइट जलाना और बुताने के लिए कमंडिस हाउस से लेके VC का आवास तक रखा था। इस जब जब हमने वेतन मांगा कि हमारा वेतन दिया जाए, जब जब उन्होंने कहा कि अरे वेतन मिल जाएगा, हॉस्टल हैंड ओवर हो जाएगा तो वेतन हम दे देंगे। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो जब हमने VC के यहाँ लेटर दे दिया कि हमारा इतना बकाया है, इतना बकाया मेरा रुपया हो गया है इतना महीना का, अभी तक इन्होंने नहीं दे रहे हैं, तो VC ने उस पर ऑर्डर कर दिया कि इनकी वेतन 30/4/2019 को ऑर्डर कर दी कि इनका बकाया हुआ बकाया और वेतन भुगतान किया जाए। इन्होंने कहा किया कि वो लेटर जो है वहाँ गया और वो लेटर वहाँ से गायब हो गया। अब वो कहते हैं गायब कैसे हो गया बाबा? गायब हुआ मैंने फाइल से निकाल लिया। का VC दूसरा आ गया, वो VC राज बिहारी सिंह ने ऑर्डर किया था। हाँ, गिरीश प्रसाद के पास गए तो इन्होंने कहा कि आपको इंजीनियर विद्युत इंजीनियर जब तक नहीं लिख के देगा जब तक आपका वेतन नहीं हम दे सकते हैं। अब दोषी किनको मानते हैं, किनके वजह से आपका वेतन रुका हुआ है? वेतन तो रुका हुआ है अरविंद कुमार विद्युत अभियंता। हाँ, वही बार बार उसने हमसे मांगा बिल बनाकर उसको दिया, जो बिल मेरे सामने जो रिसीविंग भी किया सर असिस्टेंट इंजीनियर, और रिसीविंग करने के बाद वो सब जगह फाइल घुमा, फाइल में लगकर बिल, उसके बाद भी अब कहता है कि आप मेरे यहाँ काम नहीं किए हैं। जो बिल है 3,67,220 रुपया का बिल है। अच्छा। हाँ, आपका टोटल कितना बनता है, टोटल पैसा कितना बनता है आपका? 3,02,000
3,67,220 रुपए। अच्छा, वहाँ से लोग बोल रहे हैं कि आप काम ही नहीं किए हैं। नहीं, अब विद्युत अभियंता ही खुद बोलता है कि आप मेरे यहाँ काम नहीं किए। कोई कागज वागज है जो आप काम किए? कागज दिया निकाला है, दिखाइएगा। अभी तो मेरे पास नहीं है क्योंकि हम घर पर रखे। आप काम किए थे वहाँ? हाँ, काम किए थे। अच्छा, बाय द वे ठीक है, आप बोल रहे हैं लेकिन लोग बोलेंगे कि कैसे विश्वास किया जाए कि आप क्या काम किए हैं, तब क्या कहिएगा? तो हम लेटर निकाल के दे देंगे। यहाँ लेटर घाट पर इसलिए नहीं रखते हैं कि हो सकता है वो आदमी भेज दे, आप भेज के छीन उन ले। इसीलिए हम यहाँ पर लेटर नहीं रखते। पहले हम रखते थे, किसी आदमी ने हमको मना कर दिया कि आप ये लेटर मत रखिए क्योंकि उन लोगों ने आवेगा, हो सकता किसी आदमी को भेज कर छिनवा देगा। अच्छा। उस दिन से मैं लेटर नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पे डेली बैठ कर आप क्या उम्मीद लगाते हैं बाबा? हम उम्मीद ही लगाते हैं कि जब कौन कोई प्रभु भेजबे करेंगे मसीहा कि कोई ना कोई हमारी मदद करवे करे। जब तक जान है लगे हुए हैं यहाँ पे, मसीहा बनकर कोई और नहीं आएंगे, यहीं के जो लोग हैं वही सब मसीहा बनेंगे। इनको देखते हैं बाबा को आप लोग? जी, डेली देखते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ, यही बैठे रहते हैं। अच्छा, इनकी मांगों को आपने कभी सुना है, पढ़ा है? कभी एक बार पढ़े थे। क्या है इनकी मांग? वही यहाँ पे वेट करते हैं, पैसा लेते हैं। नहीं नहीं, वो तो इनका अपना काम है जो कर रहे हैं, लेकिन इनका जो है, मैं आपको बता दूं, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में काम भी किया है लेकिन इनका भुगतान नहीं हो पाया है। और ये कहते हैं कि इनके पास कागज भी है, ये जांच का विषय है। अगर सरकार के कोई लोग को किन्हीं को भी ऐसा लग रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं तो आइए इनसे मिलिए और जो जांच का विषय है इनसे कागज लीजिए, जांच करवाइए। अगर ये सही है तो इनका भुगतान करवाइए, गलत है तो मत करवाइए। लेकिन हम तो यही कहेंगे एक बार इनकी समस्याओं को सुना जाए, क्योंकि सरकार पे डेली आरोप लगाया जा रहा है, डेली यहाँ से हजारों लोग देखते हैं, ये बिल्कुल शर्म की बात है। दूसरे प्रदेशों से भी जो है लोग आते हैं NIT घाट घूमने और ये देखकर बिहार सरकार को छींछी कहते होंगे। बिहार सरकार जागरूक हो, भेजो अपने पदाधिकारी और दिखाइए इनके दर्द को, और जो है इनके दर्द को दिखाकर इनका भुगतान करवाया जाए। 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कौन सी बड़ी राशि है सरकार के लिए? इतनी राशि तो है, हमारा लगता है किसी भी एक सामान्य मंत्री का एक दिन का जो है उनका मेंटेनेंस चार्ज हो जाता होगा, जो उनके गार्ड वार्ड है या फिर बहुत सारा ताम झमाम इतना रहता है ना, मत पूछिए उन लोगों का। खैर, हम यही चाहेंगे इनको न्याय मिले और इनका जो भी पैसा है उसको भुगतान किया जाए। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले। थैंक यू सो मच।